रामपुर की रहने वाली एक विवाहित महिला को उसके ही पति सहित ससुराल वालों ने वंश नहीं होने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया। आरोप है कि युवती का पति उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सिपाही के पद पर तैनात है। आरोपी पुलिस कर्मी और उसका परिवार वंश नहीं होने पर पीड़ित विवाहित महिला की पिटाई करते रहते थे, साथ ही उस पर जुल्मों का कहर बरपाते थे। पीड़िता महिला ने दो बेटियों को जन्म दिया है, जिससे वे और ज्यादा काफी नाराज हो गए हैं, और मारपीट जैसी घटना पीड़िता के साथ हर रोज होती रहती थी, जिससे आहत होकर पीड़िता महिला रामपुर के एएसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा के पास पहुंची। हम प्रियंका आगरी है, वाइफ ऑफ अखिलेश आगरी। मेरी शादी 2012 में 30 अप्रैल को हुई थी। पिताजी नहीं थे, फिर उन्होंने मेरे साथ फिर से घर ले जाकर मेरे साथ मारपीट की, और मेरे ऑपोजिट दो बेटियां हैं जिसके काम है खुश नहीं है। मेरे पति पुलिस विभाग में बागेश्वर में है, तैनात हैं। क्या नाम है? उनका नाम अखिलेश आगरी, अभी वो हरिद्वार में पोस्टेड हैं। उन्होंने भी उन्होंने वहाँ से वो मुझे गाली गलौज और धमकी दे रहे हैं, तो उन्हें मेरी माँ के खिलाफ मुकदमा लिखाया, अब मैं तेरे को जान से मार दूंगा, और गंदी गंदी गाली दे रहे हैं वहाँ से, और मुझे कहना है कि मैं तेरे को इस बार नहीं छोड़ूंगा, और मेरी बेटियों को भी मारने की धमकी दी गई है, क्या इस बार मैं तेरे को जान से मार दूंगा कह रहे हैं। अगर तुमने वो कहते हैं वो मेरे को धमकी देते हैं, अगर तूने ये मुकदमा इन बच्चों के बच्चों को मार दूंगा, क्योंकि मैं उन्हें बेटा नहीं दे सकती, इस वजह से वो मेरे साथ और उनकी दहेज की मांग पूरी नहीं कर सकती, इसलिए वो मेरे साथ मारपीट करते आए दिन। कहते हैं कि तू हमें वंश नहीं दे सकती है, और कई बार उन्हें मेरे से कहने लगे कि मुझे खाली पेपर में साइन करके दे, नहीं तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। मैंने साइन करके नहीं दिया। उसके बाद मैंने परसों मेरे साथ फिर से मारपीट हुई। मैंने 112 में सूचना दी कि मुझे मेरे को बचा लीजिए, मेरे को मेरे ससुर वाले मेरे सास ससुर और देवर मेरे को देवानी मेरे को जान से मारने की कोशिश करने के लिए मेरे कमरे में आए। मैं इसकी सूचना मैंने 112 में दी, जिन्होंने तभी मेरी मदद के लिए पुलिस भेजी। पुलिस भी 2-3 घंटे में आई, जो मुझे थाने ले गई। थाने ले जाने के बाद उन्होंने फिर पुलिस मेरे ससुर वाले ने पुलिस लोगों से पुलिस हेल्पलाइन से मिलकर उन्होंने मेरे साथ फिर से मारपीट की, जिसकी शिकायत मैंने एसपी अल्मोड़े को भी दी कि उन्होंने मेरे साथ एसपी सर को भी दी कि उन्होंने मेरे साथ यहाँ पुलिस वाले मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। उसके बाद बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के मैं वहाँ से भागी रामपुर। मैंने एसपी सर को अपनी शिकायत अपनी परेशानी बताई उनको, उन्होंने मेरी बहुत यहाँ के रामपुर के एसपी साहब ने मेरी मदद की। उसका आरोप है कि पति ने वंश की प्राप्ति नहीं होने पर उसको निकाल दिया है, क्या? हाँ, ये प्रियंका आगरी है, प्रियंका आगरी है, ज्वाला नगर की रहने वाली हैं। इनके द्वारा सिविल लाइन में मतलब पंजीकृत कराया गया है, जो 498, 323, 504, 506 और 354 और दहेज प्रतिबंध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज हुआ है कि इनको घर से मारपीट करके और वंश की प्राप्ति न होने के कारण को निकाल दिया गया है, और मुकदमा पंजीकृत हो गया है, इसकी विवेचना की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। सर, ये पति पुलिस में है? हाँ, ये अल्मोड़ा पुलिस में है, अखिलेश नाम है, अखिलेश आगरी, ये अल्मोड़ा उत्तरांचल पुलिस में है, अल्मोड़ा में शायद पोस्टिंग है इसकी।